students. I am Charni Chauhan, teacher of nursery class. Hope you are all fit and healthy. Today I will teach GK topic fruits. तो आज हम क्या देखने वाले हैं? Fruits. तो कितने सारे fruits आते हैं? कितने सारे colors के fruits आते हैं? कितने सारे size के fruits आते हैं? कुछ fruit big size के होते हैं और कुछ fruit small size के होते हैं. इसी तरह कितने सारे सेक्स के फ्रूट्स आते हैं. तो आज हम क्या देखने वाले हैं? फ्रूट्स. विच फ्रूट इज दिस? एप्पल. कौन सा फ्रूट है ये? एप्पल. एप्पल एप्पल एप्पल. तो एप्पल कौन से कलर का होता है? एप्पल रेड कलर का होता है. एप्पल कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है. तो एप्पल को जब हम कट करते हैं तो अंदर से वो व्हाइट कलर का होता है. एप्पल को जब हम कट करते हैं तो अंदर से वो व्हाइट कलर का होता है और उसके अंदर स्मॉल स्मॉल सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं और वो सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं. एप्पल के सीड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं. तो एप्पल हेल्दी फ्रूट है तो इसलिए हमें रोज एप्पल खाना चाहिए. तो एप्पल को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? एप्पल. कौन सा फ्रूट है ये? एप्पल. विच फ्रूट इज दिस? बनाना. कौन सा फ्रूट है ये? बनाना. बनाना बनाना बनाना. तो बनाना कौन से कलर का होता है? बनाना येलो कलर का होता है. तो बनाना को जब हम पील करते हैं तो अंदर से वो व्हाइट कलर का होता है. बनाना को जब हम पील करते हैं तो अंदर से वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है. और बनाना के अंदर सीड्स नहीं होते, उसके अंदर सीड्स नहीं होते. तो बनाना को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? बनाना. कौन सा फ्रूट है ये? बनाना. विच फ्रूट इज दिस? ग्रेप्स. कौन सा फ्रूट है ये? ग्रेप्स. ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स. तो ग्रेप्स कौन सी कलर की होती है? ग्रेप्स टू कलर की होती है, ग्रीन कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है. तो ग्रेप्स कौन से कलर की होती है? ग्रेप्स टू कलर की होती है, ग्रीन कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है. तो ग्रेप्स को हम ऐसे भी खा सकते हैं और उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? ग्रेप्स. कौन सा फ्रूट है ये? ग्रेप्स. विच फ्रूट इज दिस? मैंगो. कौन सा फ्रूट है ये? मैंगो. मैंगो मैंगो मैंगो. तो मैंगो कौन से कलर का होता है? मैंगो भी टू कलर के होते हैं. मैंगो ग्रीन कलर का भी होता है और मैंगो येलो कलर का भी होता है. तो ग्रीन कलर का जो मैंगो होता है ना, वो कच्चा कच्चा मैंगो होता है और जो येलो कलर का मैंगो है वो कैसा होता है? मीठा मीठा स्वीट स्वीट होता है ना. तो विच फ्रूट इज दिस? मैंगो. मैंगो मैंगो मैंगो. तो मैंगो को हम उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं. शेक बनाते हो ना, मैंगो शेक पीते हो ना और मैंगो का आइसक्रीम भी खाते हो, खाते हो ना सब. तो मैंगो हम उसे कट करके भी खा सकते हैं, उसका आइसक्रीम भी खाते हैं और उसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? मैंगो. कौन सा फ्रूट है ये? मैंगो. और मैंगो क्या है पता है? मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट फैमिली. मैंगो कौन है? फ्रूट का राजा है. तो मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट फैमिली. विच फ्रूट इज दिस? कौन सा फ्रूट है ये? वाटरमेलन. कौन सा फ्रूट है ये? वाटरमेलन. तो वाटरमेलन तो कितना बिग बिग आता है ना, वो बिग बिग साइज का होता है. तो वो बाहर से ग्रीन कलर का होता है तो जब उसे हम कट करते हैं तो अंदर से वो रेड कलर का होता है. तो वाटरमेलन बाहर से ग्रीन कलर का होता है और अंदर से वो रेड कलर का होता है.
और उसके अंदर भी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सीड्स होते हैं। और उसके सीड्स कौन से कलर के होते हैं? वाटरमेलन के सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं। वाटरमेलन के सीड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो वाटरमेलन को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। वाटरमेलन को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। तो विच फ्रूट इज दिस? वाटरमेलन। कौन सा फ्रूट है ये? वाटरमेलन। वाटरमेलन, वाटरमेलन, वाटरमेलन। विच फ्रूट इज दिस? स्ट्रॉबेरी। कौन सा फ्रूट है ये? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कौन से कलर की होती है? स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है। स्ट्रॉबेरी कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। और स्ट्रॉबेरी का हम आइसक्रीम भी खाते हैं, खाते हैं ना सब आइसक्रीम? स्ट्रॉबेरी की कैंडी भी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम भी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी की कैंडी भी खाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसमें भी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सीड्स होते हैं, है ना? स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो विच फ्रूट इज दिस? स्ट्रॉबेरी। कौन सा फ्रूट है ये? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। विच फ्रूट इज दिस? चीकू। कौन सा फ्रूट है ये? चीकू। चीकू, चीकू, चीकू। चीकू कौन से कलर का होता है? चीकू ब्राउन कलर का होता है। चीकू कौन से कलर का होता है? चीकू ब्राउन कलर का होता है। तो चीकू को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं। चीकू को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसका शेक बनाकर के भी पी सकते हैं। और चीकू के अंदर भी सीड्स होते हैं, तो उसके सीड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। चीकू के सीड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो विच फ्रूट इज दिस? चीकू। चीकू, चीकू, चीकू। विच फ्रूट इज दिस? पोमेग्रेनेट। कौन सा फ्रूट है ये? पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट कौन से कलर का होता है? पोमेग्रेनेट रेड कलर का होता है। पोमेग्रेनेट कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो पोमेग्रेनेट को हम छिलकर उसके दाने भी खा सकते हैं और उसका जूस बना करके भी पी सकते हैं। पोमेग्रेनेट को हम छिलकर उसके दाने भी खा सकते हैं और उसका जूस बना करके भी पी सकते हैं। तो विच फ्रूट इज दिस? पोमेग्रेनेट। कौन सा फ्रूट है ये? पोमेग्रेनेट। विच फ्रूट इज दिस? पपैया। कौन सा फ्रूट है ये? पपैया, 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 पपैया। तो पपैया कौन से कलर का होता है? पपैया टू कलर्स के होते हैं। ग्रीन कलर का भी पपैया होता है और ऑरेंज कलर का भी पपैया होता है। जो ग्रीन कलर का पपैया है वो कच्चा पपैया होता है और ऑरेंज कलर का पपैया कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है। कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है। तो और उसके अंदर सीड्स होते हैं और वो सीड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। पपैया के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो पपैया को हम कट करके खा सकते हैं। तो विच फ्रूट इज दिस? पपैया। कौन सा फ्रूट है ये? पपैया। विच फ्रूट इज दिस? ऑरेंज। कौन सा फ्रूट है ये? ऑरेंज, 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 ऑरेंज। ऑरेंज फ्रूट कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज फ्रूट कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। तो ऑरेंज को हम पील करके भी खा सकते हैं और उसका जूस बना करके भी पी सकते हैं। ऑरेंज को हम पील करके भी खा सकते हैं और उसका जूस बना करके भी पी सकते हैं। और ऑरेंज के अंदर स्मॉल स्मॉल सीड्स होते हैं और उसके सीड्स कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। उसके सीड्स कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। और ऑरेंज की हम पेपरमेंट भी खाते हैं। ऑरेंज की हम पेपरमेंट भी खाते हैं। तो विच फ्रूट इज दिस? ऑरेंज। कौन सा फ्रूट है ये?
orange. Which fruit is this? Cherry. कौन सा फ्रूट है ये? Cherry. 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 तो चेरी कौन से कलर की होती है? चेरी रेड कलर की होती है. चेरी कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है. तो चेरी हम ऐसे भी खा सकते हैं और वो केक के ऊपर भी चेरी का यूज होता है और उसका हम आइसक्रीम भी खाते हैं. चेरी का हम आइसक्रीम भी खाते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? चेरी. कौन सा फ्रूट है ये? चेरी. विच फ्रूट इज दिस? कस्टर्ड एप्पल. कौन सा फ्रूट है ये? कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल. तो कस्टर्ड एप्पल कौन से कलर का होता है? कस्टर्ड एप्पल ग्रीन कलर का होता है. कस्टर्ड एप्पल कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. तो जब हम कस्टर्ड एप्पल को पील करते हैं तो अंदर से वो व्हाइट कलर का होता है. अंदर से वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का. और कस्टर्ड एप्पल के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं और वो सीड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं. कस्टर्ड एप्पल के सीड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं. तो कस्टर्ड एप्पल को हम ऐसे पील करके भी खा सकते हैं और उसका आइसक्रीम भी खाते हैं. कस्टर्ड एप्पल का हम आइसक्रीम भी खाते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? कस्टर्ड एप्पल. कौन सा फ्रूट है ये? कस्टर्ड एप्पल. विच फ्रूट इज दिस? ग्वावा. कौन सा फ्रूट है ये? ग्वावा. 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 तो ग्वावा कौन से कलर का होता है? ग्वावा ग्रीन कलर का होता है. ग्वावा कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. तो ग्वावा कुछ कुछ ग्वावा अंदर से हम उसे जब कट करते हैं तो व्हाइट कलर के होते हैं और कुछ ग्वावा अंदर से कट करते हैं तो वो रेड कलर के होते हैं और उसके अंदर भी स्मॉल स्मॉल सीड्स होते हैं और वो सीड्स कौन से कलर के हैं? व्हाइट कलर के हैं और हम उसके सीड्स भी खा सकते हैं. ग्वावा के सीड्स हम खा सकते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? ग्वावा. कौन सा फ्रूट है ये? ग्वावा. विच फ्रूट इज दिस? पाइनएप्पल. कौन सा फ्रूट है ये? पाइनएप्पल. 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 तो पाइनएप्पल कौन से कलर का होता है? पाइनएप्पल येलो कलर का होता है. पाइनएप्पल कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है. तो पाइनएप्पल को हम कट करके भी खा सकते हैं और उसका जूस बना करके भी पी सकते हैं और पाइनएप्पल का हम आइसक्रीम भी खाते हैं और पाइनएप्पल की हम पेपरमिंट भी खाते हैं. तो विच फ्रूट इज दिस? पाइनएप्पल. कौन सा फ्रूट है ये? पाइनएप्पल. विच फ्रूट इज दिस? कोकोनट. कौन सा फ्रूट है ये? कोकोनट. 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 तो कोकोनट भी टू कलर्स के होते हैं. ग्रीन कलर का भी कोकोनट होता है और ब्राउन कलर का भी कोकोनट होता है. तो ग्रीन कलर का कोकोनट कच्चा कोकोनट होता है और उसके अंदर जो पानी होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है. तो कच्चा कोकोनट का पानी हमें पीना चाहिए. और जो पका कोकोनट होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है. पका कोकोनट कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है. तो विच फ्रूट इज दिस? कोकोनट. 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 तो इसी तरह हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. आभार.